नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का खट्टा मीठा इंस्टेंट अचार। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले 1 टेबलस्पून तेल लेना है, तेल अच्छे से गरम कर लेना है। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1/2 चम्मच मेथी के दाने लिए हैं। तो मेथी के दाने डाल के इसे पहले अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें जीरा, राई और सौंफ डालेंगे। भून ले इसे अच्छे से। दो तीन कड़ी पत्ता डाल देंगे इसमें। अब इसमें मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लिया है कच्चे आम का, उसको छोटे टुकड़े में कट करके लेना है। अब वो इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो जाने के बाद उस पे मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हींग डाल देंगे। मिला लें इन सबको। और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे पका लें 3 से 4 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं थोड़े हमारे आम जो हैं वो पक चुके हैं, ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमें 1 कप जितना हमने आम लिया है उतनी ही क्वांटिटी हमें गुड़ लेना है। ये वाला गुड़ थोड़ा ज़्यादा मीठा है, इसलिए मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है, थोड़ा सा बच गया है। आपके पास जो गुड़ अवेलेबल है उस हिसाब से आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब ढक्कन उठाने के बाद आप देख सकते हो सारा गुड़ जो है वो अच्छे से पिघल गया है और उसमें बॉईल आने लगा है। तो हमारा इंस्टेंट आम का अचार बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आपको ये क्विक इंस्टेंट खट्टे मीठे अचार की रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस रेसिपी को ज़रूर एक बार घर पे ट्राई करके देखना। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में 5-6 दिन के लिए आराम से स्टोर भी कर सकते हो। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।